उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपने कार्यों का बहिष्कार करते हुए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बाल विकास परियोजना कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी व भाजपा नेता हमारी सुध लेने नहीं आया और चुनाव के दौरान घर घर हाथ जोड़कर घूमते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा लक्सर पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता, डीएम धीरज सिंह गर्बयाल, एसडीएम लक्सर गोपाल सिंह चौहान को पत्र देकर अपनी मांगों को पूरा कराने की गुहार लगाई है। मेरा नाम नीलम है, ब्लॉक अध्यक्ष लक्सर से। जो आपका मांग तो यही है सरकार से, हमारी लड़ाई यही है कि हमारा जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा हम इसी प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। 5 लड़कियों को यहाँ बैठे हुए धूप में भूखी प्यासी यहाँ बैठी रहती हैं, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, या तो सरकार हमारी मांगों को मान ले, वरना तो सरकार बनाई हमने तो गिरा भी देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम शबूर जहां है और मैं लक्सर से हूँ, जिला सचिव के पद पे। सर हमारी मांगे ज़्यादा नहीं है और मेन बात तो ये है कि हमारे जो ये 9,000 रुपए हैं हम मानदेय के ऊपर ही है सबसे ज़्यादा तो हमारा, और मेरी बहनें ये सुबह से शाम तक के बैठी रहती है, 5 बजे तक के ये बैठी रहती है और 9,000 रुपए में हमारा कुछ भी नहीं होता है। अब देखो ये सुबह से शाम तक के बैठी हैं और कुछ इसमें मेरी बहनें तलाकशुदा हैं और कुछ विधवाएं हैं मेरी बहनें, और हम जो 5 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं यहाँ कोई भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए, और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इसी तरह ही धरना प्रदर्शन करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।